नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम स्टॉक टिप्स में। आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो है दोस्तों, आपका ज्ञान और प्रॉफिट लेने का मोटिव हम बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि शेयर बहुत आपको पैसा बना के दे सकता था क्या आने वाले दिन में, और इतना पैसा बना के दे सकता है क्या। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सही सटीक जानकारी मिलनी है और आपको आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रॉफिट इसने लिया है, इससे बेहतर और मुनाफा मिल जाए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे और आपको पूरा उसका एनालिसिस देंगे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले रिलायंस निकॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो कि हर तरह से बिजनेस कर रही है, हर तरह का बिजनेस कर रही है, जिसके कारण मार्केट में इसका प्रॉफिट बनते जा रहा है। दोस्तों, ये शेयर बहुत ही तगड़ा है, बहुत सारे लोगों ने उसको 1 साल में खरीदा था, जो कि बहुत सारा प्रॉफिट कमा चुके हैं। दोस्तों, हम उस पर चलते चलते टेक्निकल चार्ट पे और जानेंगे टेक्निकल चार्ट पे किस तरह से रुझान हमें देखने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों, अभी हमारे टेक्निकल चार्ट पे देते हैं, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों बढ़िया सा हमें 2019 फेब में यहाँ से जो ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ग्रोथ का रेशो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। लगभग 130 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था शेयर, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, 130 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, जो कि बहुत ही एक बड़ी ग्रोथ मानी जा सकती है। 2019 से लेकर 2019 तक की ये जो ग्रोथ है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। ऐसे कंपेयर की जाए दोस्तों, 130 हिसाब से देखा जाए तो आपको 130 तो दोस्तों 260 रुपीज़ 1 साल में होना चाहिए था, मतलब 100 to 100 देना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ पर आप सीधा कंपेरिजन देख सकते हैं, 100 to 100 हो सकता था, मगर दोस्तों यहाँ पे अभी प्राइस देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे कितना प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, तो लगभग यहाँ से आपको 200-300% के ऊपर प्रॉफिट मिल चुका है इसमें। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं, आप इसमें आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, मगर दोस्तों आपको रिक्वेस्ट हम अभी करेंगे ज़रूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन उसे ज़रूर दबाना। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक तो ज़रूर करना। और दोस्तों, अपने खुद जो पर्सनल बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके साथ शेयर करने के लिए ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपका प्रॉफिट है तो उनका भी प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताती हूँ शेयर में बाय करना है या फिर सेल करना है या फिर होल्ड करना है या फिर वेट करना है। तो दोस्तों, आपको ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ से तो इतना शेयर अपनी ऊपरी लेवल पे गया है, थोड़ा सा नीचे आया है, फिर इसने लेवल बनना चालू किया है। तो क्या दोस्तों आने वाले पल में, आने वाले दिनों में यहाँ से हमें किस तरह से टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बता दें, अगर मार्केट यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन देता है तो दोस्तों आने वाले 2020 में ये शेयर आपको 530 रुपीज़ के आसपास दिखेगा ज़रूर। दोस्तों, 530 का टारगेट है इसमें दोस्तों, लगभग ये बहुत ही अच्छा टारगेट रहेगा। दोस्तों, अभी तक ये डिविडेंड बोनस ऐसे कुछ इसने दिया नहीं, इसका एक ही लक्ष्य है दोस्तों, इसका प्राइस वैल्यूशन बढ़ाना है इसको। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों इस कंपनी में कि इस कंपनी में खासियत रही है दोस्तों, मार्केट गिर रहा था तभी भी ये मार्केट अपना संभालने की कोशिश कर रहा था, कंसोलिडेशन देने की कोशिश कर रहा था। देखिए दोस्तों, मार्केट टोटल गिरने के बाद 2018 में यहाँ पे उसने एक डब्ल्यू वाला पैटर्न बनाया, और उसके बाद उसने देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के इसको ब्रीच कर दिया और मार्केट ऊपर चला गया। दोस्तों, हमेशा ज़रूरी होता है पैटर्न कैसा बन रहा है, किस तरह बन रहा है और कैसे काम करेगा, अगर ये आपको मालूम होगा दोस्तों तो आप मार्केट में आसानी से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा 530 का आने वाले दिनों में आपको टारगेट मिल सकता है ऊपर स्तर पर। अगर दोस्तों आपको लग रहा है यह लेवल तोड़ के नीचे आ सकता है, दोस्तों आपको लेवल भी बताते हैं कौन सा लेवल है वो नीचे तोड़ के आने का, तो 300 रुपीज़ का लेवल है दोस्तों। अगर ये मार्केट तोड़ता है नीचे चला जाएगा दोस्तों, लगभग 250 रुपये के आसपास। दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा यहाँ से मार्केट इतना गिरना, क्योंकि जिस तरह से ये शेयर ने ग्रोथ पकड़ा है दोस्तों, ये अभी रुकने का नाम नहीं लेने वाला। दोस्तों, आपका प्रॉफिट बनना है तो आपको इसमें बने रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा आप इसको पिछले चार्ट पे भी लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसमें ग्रोथ आई थी। ये देख सकते हैं दोस्तों, उसके लिस्टिंग होने के बाद फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया, फिर एक खबर आती है दोस्तों मार्केट में कि ये अभी शेयर टूट रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बॉटम बनाया, डब्ल्यू बनाया, फिर उसने मार्केट में एक लेवल बना के फिर इसको तोड़ के चला गया। दोस्तों, आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपको ये बताएंगे कि इस पैटर्न
कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको बातें समझ में आई होगी। अब ये आने वाले दिनों में शेयर बहुत ही अच्छा ट्रेड करेगा। क्या दोस्तों इसमें हमें क्या बातें और देखनी है कि जो हमें प्रॉफिट कमाने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो जोन है वो रहा है प्रोमोटर्स का। उस प्रोमोटर्स में कितने प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर खुद पकड़ के रख रहे हैं और कितना नॉन इंस्टीट्यूशनल्स पकड़ के रख रहे हैं। दोस्तों अभी हम आए रिलायंस निकॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड शेयर होल्डिंग के बारे में जानने के लिए। दोस्तों यहाँ से आपको पता चलेगा किस तरह से, देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रीन जो पैटर्न बना है उसे समझ रहा है कि ज़्यादा होल्डिंग ये ग्रीन वाले ने पकड़ के रखी है, फिर ब्लू है, पर्पल है, फिर येलो है। दोस्तों यहाँ पे आपको होल्डिंग के बारे में पता चलेगा किस तरह से इसमें होल्डिंग हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 79% की होल्डिंग है। दोस्तों बहुत बड़ी रेशो है यहाँ पे होल्डिंग का। जहाँ पे प्रमोटर अच्छा होती है दोस्तों वहाँ पे इस शेयर में पकड़ तो अच्छी ही रहेगी कंपनी की। देखिए दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका 8.97 का, लगभग 9% की यहाँ पे उनकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इनमें 2.99, मतलब लगभग 3% के। और जो फाइनेंस और इंश्योरेंस वाले हैं, जो बैंकिंग है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1.22 है। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई होगी, जिस शेयर में 79% अगर प्रोमोटर खुद कर रहे हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग होगी मार्केट में दोस्तों, वहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है। इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों, वोलेटिलिटी कम होना मतलब क्या होना, इसमें डाउन एंड अप मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आपको एक ही ट्रेड देखने मिलेगा। दोस्तों अगर कोई शेयर बेचता है यहाँ पे, इफ़ सेलिंग यू कैन सी देयर, तो आपको वहाँ पे बायर बड़े बड़े मिलेंगे। दोस्तों समझ रहे, आपको बायर क्या मिलेगा, बड़े बड़े मिलेंगे। यहाँ पे एक भी आपको शेयर बिकवाली में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 10 बायर खड़े हो जाएंगे। 10 बायर किसके लिए खड़े हो जाएंगे, एक शेयर के लिए। दोस्तों इतना ताकत रखता है इस शेयर में। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादा से प्रोमोटर्स ने होल्ड किया हुआ है इस कंपनी को, जिसके कारण ये शेयर में जान बनी हुई है। दोस्तों क्या आने वाले दिनों में इसमें और रुझान देखने मिल सकते हैं? दोस्तों ये तो रहा बात आने वाले दिनों में किस तरह के मार्केट ट्रेड करेगा, मगर दोस्तों उसके पहले आपको थोड़ी सी बातें बता दें। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी एक इनकॉम्प्लिकेटेड बात है, हम थोड़ा सा इन कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे हम। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो HDFC एसेट है और रिलायंस निकॉन है, इनमें दो के दोस्तों तो HDFC का वैल्यूशन ज़्यादा है, मगर उनके पास जो लिक्विडेशन और लिक्विडिटी का जो लॉट है दोस्तों वो ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होती रहती है। मगर दोस्तों रिलायंस निकॉन एक ऐसा शेयर है जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे अगर कोई सेलर खड़ा हो जाए तो यहाँ पे बायर ज़्यादा तादाद में खड़े होते हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसी कंपनी चाहे जहाँ पे हमेशा प्रॉफिट बनेगा दोस्तों, आपके लिए रिलायंस निकॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत बढ़िया रहेगी। दोस्तों इसमें आप संदेह नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपका सही उद्देश्य, आपका सही डिसीजन आपको लेके जाएगा मार्केट में पैसा बनाने के। मगर दोस्तों उसके पहले आपको खुद का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में आपका विश्लेषण ही आपको पैसे बना के देगा। दोस्तों हमारा काम है अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना का काम हम कर रहे हैं, और आपका प्रॉफिट बनाने का काम आपको बना के देने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।